आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस में हूँ और ये देखिए मेरे सामने एक अंकल हैं जो कि बनारसी साड़ी बना रहे हैं। मैं बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये बनारस की साड़ी है और इसे ऐसे बुना जाता है। बहुत टफ प्रोसीजर होता है और बहुत बारीकी के साथ इसे किया जाता है। क्या नाम है चाचा जी आपका? कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? 50 वर्षों से आप काम कर रहे हैं। एक साड़ी को बनाने में चाचा जी कितना समय लगता होगा लगभग? कम से कम 25 दिन। एक साड़ी को बनाने में 25 दिन का समय लगता है? और डिज़ाइन वगैरह आप लोग स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं? तो साड़ी बनाने के साथ साथ जो आप डिज़ाइन, ये बीच बीच में डिज़ाइन आप बना रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या इसी से हाथों से किया जाता है या इसी मशीन के थ्रू ही बन जाता है? हाथ से बना करके तब मशीन पर डाला जाता है। अच्छा, हाथों से ही बना के फिर मशीन के थ्रू उसको किया जाता है। ये पूरा इसका प्रोसीजर है। इतने इसके सिस्टम है जिसे समझ पाना भी बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। और ये काशी की एक विशेष खूबी है जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, बनारस की बनारसी साड़ी। बहुत ही बारीक तरीके से इसकी बुनाई की जाती है। ये आप देख रहे हैं एक एक धागे को किस तरीके से इसमें पिरोया जाता है, तब जाके एक बनारस की साड़ी तैयार होती है। और इसी तरीके से एक चाचा जी यहाँ पे भी हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कितने वर्षों से यहाँ पे हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद दीन। कितने वर्षों से हैं चाचा जी आप यहाँ पे? चालीस वर्षों से आप काम कर रहे हैं। ये है बनारस की खूबी, बनारस की सभ्यता और बनारस की बनारसी साड़ी। इसे जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना आपको आनंद आएगा। ये देखिए अलग अलग दिशा से ये चलाया जा रहा है। और ये इधर बनारसी साड़ियां हैं, विक्रय केंद्र है जहां इसे बेचा जाता है। बनारस में कभी अगर आप आइए तो समय निकालकर बनारसी साड़ी कैसे बनती है उसे देखिए। बनारसी साड़ी को खरीदिए और आप ले के जरूर जाइए। देखिए एक बनारस की साड़ी बन के यहाँ तैयार है। किस तरीके से इस पे